Hello students, let us understand the following question. In this question, the question says compute the median from the following table. Okay, ये हमें टेबल गिवन है, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेंड और नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है, और टेबल के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि मीडियन क्या होगी इस टेबल के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन देखने के लिए. माय डियर स्टूडेंट, हम इसकी एक अनदर टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स सी. सो देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमने ये टेबल ड्रॉ कर लिए मार्क्स ऑब्टेंड और नंबर ऑफ स्टूडेंट की, और ये हमारा एक कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का हमने बना लिया है इसको. लेट्स से सी एफ. ओके, और ये एफ आई. सो अब देखिए, अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी सम कर लूँ उनका, समेशन ऑफ एफ आई, और यही मेरे क्या होते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे. इट इज एन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो इनको अगर हम ऐड कर लेते हैं कितना आ जाएगा, 159. ठीक है, और अगर आप ध्यान दें ये हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है. सो अब देखिए हम क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी. और ये कैसे करते हैं, जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट क्या है, 2 है, इसको हम डायगोनली ऐड करते जाएंगे. 2 + 18 दैट इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 20, और 20 + 30 दैट इज इक्वल टू 50, और 50 + 45 95, 95 + 35 दैट इज 130, और 130 + 20 150, 150 + 6 दैट इज 156, एंड 156 + 3 दैट इज 159. सो ये 159 और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि जो सम होगा इनका वो कितना आना चाहिए, इक्वल ही आना चाहिए. अगर ये इक्वल नहीं है सो दैट मीन्स कहीं पे एडिशन में मिस्टेक हुई है हमारी. सो अब देखिए यहाँ पे हमें एन पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 159 है. सो अगर मैं मीडियन क्लास मुझे फाइंड आउट करनी है, उसके लिए मुझे क्या करना है, देखिए मीडियन क्लास हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 115 जो कि ऑड है, ऑड नंबर है, सो दैट इज 1/2, और क्या रहेगी एन प्लस वन वैल्यू जो होगी. ठीक है, सो 1/2 एन कितना है, 159 प्लस वन वैल्यू, सो दिस विल बी इक्वल टू 159 दैट इज 160 अपॉन 2 दैट इज आ जाएगा 80th जो वैल्यू होगी. ओके, मीडियन क्लास के लिए. और अगर हम ध्यान दें ये हम कहाँ पे चेक करेंगे, जो हमारी कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी है, सो ये हम यहाँ पे चेक कर लेंगे. सो 80 जो है कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई कर रहा है. सो देखिए यहाँ पे देखिए 50 है और यहाँ पे 95, तो 80 तो कहीं पे नहीं है. सो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 80 से जस्ट नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास. उसके जो करस्पॉन्डिंग क्लास होगी वो हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी. सो देखिए 50 के बाद 95 है, सो 80 के जस्ट नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, दैट इज 95 है. सो हमारी जो मीडियन क्लास रहेगी वो क्या रहेगी, जो इंटरवल रहेगा 30 से 40 होगा, और फ्रीक्वेंसी 45, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 95 होगी इस केस में. मतलब करस्पॉन्डिंग जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी इसकी 95 होगी. ठीक है, और वी नो दैट, देखिए हमने ये निकाल लिया कि 80 जो वैल्यू लाई कर रही है, विच इज लाइज इन द क्लास 30 to 40, हेंस मीडियन क्लास इज 30 to 40. ओके, सो अब हम जानते हैं कि जो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, हमें जो मीडियन चाहिए ये होता है हमारा एल प्लस एन वाई टू माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ और इनटू एच. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है.
देखिए यहाँ पे मेरी एल क्या है, लोअर लिमिट है ऑफ मीडियन क्लास, स्मॉल एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास और मीडियन क्लास हमारी कितनी है, 30 से 40, तो लोअर लिमिट यहाँ पे कितनी है, 30 है। ये हमारी 30 हो गई, और एफ स्मॉल एफ हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास ऑफ मीडियन क्लास दैट इज इक्वल टू कितनी है ये मेरी, देखिए आप टेबल से देख सकते हैं 45 है। एंड सी एफ इज इक्वल टू क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी जो होगी, देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, और ये हमारी वो कल इसके जो करस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती दैट इज 95 है। हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, जो उसके जस्ट प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज ये क्या है, 50 तो है। ये हमारी क्या हो जाएगी, सी एफ, ठीक है, जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास इन सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास इन सी एफ दैट इज इक्वल टू कितना है, 50। और एच मेरी क्या है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, जो कि हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल का, क्लास इंटरवल। सो दैट इज 10 है मेरा। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो हमें रिक्वायर्ड मीडियन मिल जाएगी। सो दैट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड मीडियन विल बी इक्वल टू एल क्या मेरा, 30 प्लस एन मेरा क्या था, 159, और अपॉन टू करना है तो माइनस सी एफ करना है, ये हमारा कितना है 50, और अपॉन में देखिए हमारा यहाँ पे एफ स्मॉल एफ भी है, तो अपॉन में एफ हमारा कितना है 45, और इसका मल्टीप्लाई कितना है, एच जो कि 10 है। सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वी विल गेट दैट्स 30 प्लस ये हो जाएगा 159 माइनस 50 इंटू टू दैट इज 100, सो 159 माइनस 100 मेरा कितना मिलेगा, 59 मिल जाएगा, और अपॉन टू एल सी मेरा 2 रहेगा, एंड अपॉन मेरा 45 है इंटू 10 है। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो वी विल गेट ये हो जाएगा 30 प्लस 59 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 45, 2 से ये 5 टाइम चला जाएगा, सो वी विल गेट 30 प्लस 295 अपॉन 45, ये हमें मिल जाएगा। फाइनली जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट 36.55। ओके, ये हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड मीडियन। हम लिख लेते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड मीडियन इज इक्वल टू 36.55। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए बी सी डी में ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। फाइनली लिख लेते हैं, हेंस वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा, थैंक यू।